स्वच्छ भारत अभियान के तहत पर्यावरण को लेकर ठाणे के उल्हास नगर पवई चौक में मूंगफली के छिलकों व कॉटन कपड़े का इस्तेमाल कर भव्य पंडाल बनाकर पर्यावरण को सुरक्षित रखने का संदेश दिया गया है। इस काल्पनिक पंडाल को देखने में बाहुबली महल जैसा हूबहू दिखाई पड़ता है। 12 लाख से ज्यादा लागत से बने इस पंडाल की ऊंचाई 80 फीट और चौड़ाई 60 फीट चौड़ा विशाल पंडाल बनाया गया है, जिसे देखने रोजाना हजारों की संख्या में भक्तजन पहुंच रहे हैं। ठाणे से सटे उल्हास नगर में पिछले 9 वर्षों से मां शक्ति सेवा नामक संस्था हर वर्ष नवरात्र आगमन पर भारत के प्रसिद्ध मंदिर के तर्ज पर भव्य पंडाल बनाती है। इसके पहले सोमनाथ मंदिर व कलकत्ता प्रसिद्ध मंदिर का पंडाल बनाया गया था और पिछले वर्ष भव्य काल्पनिक पंडाल बनाया गया था और इस वर्ष स्वच्छ भारत अभियान को ध्यान में रखते हुए 80 फुट ऊंचा 60 फुट चौड़ा एक भव्य पंडाल मूंगफली के छिलके से बनाया है। यह पंडाल 20 महिला कारीगरों ने मिलकर 5 महीने की कड़ी मेहनत के बाद 1000 बांस, 500 लकड़ी की पलाई और करोड़ों मूंगफली के छिलके का इस्तेमाल कर माँ दुर्गा का भव्य पंडाल तैयार किया है, जिसमें मूंगफली के छिलके से बारीकी से नक्काशी का काम कर स्वच्छता के साथ संदेश बनाया है। बेकार की चीजें किस प्रकार से इस्तेमाल में लाई जा सकती हैं और आज चारों तरफ गंदगी पर जीत हासिल कर परिसर कैसे स्वच्छ कर सकते हैं, इस संदेश को देखने के लिए महाराष्ट्र के कोने कोने से माता के भक्तों की गर्दी उमड़ पड़ी है। अर्चना जी, बताइए आप कहाँ से आए हैं? कल्याण से आए हैं। क्या ये मंदिर में देखने आए, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है, हम लोग बाहर से लाते हैं, इधर आते हैं, इधर अलग अलग सब चीजें रहती है बनाने का। अभी देखो, एक अपन देखते हो चीज का बना है। तो इस साल में आपको क्या देखने मिला यहाँ पर और क्या लगा? अच्छा मिला, वो शेंगदाने का सब छिलका अपन फेंकते, उनका डेकोरेशन बना है, अच्छा लगता है, हम लोग अच्छा लगता है। मैं डॉक्टर अमित पाल। बताइए आप कहाँ से ये देखने आए और क्या लगता है आपको देखने? मैं अंबरनाथ से हूँ और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। बहुत हर साल यहाँ आता है, कुछ ना कुछ नया होता ही है, हर साल कुछ न्यू इनोवेटिव आइडिया हर साल यहाँ आता ही है। इस साल मूंगफली का सुना बहुत कि आया करके, तो इसलिए इस साल हम आए देखने को, तो देख के बहुत अच्छा लगा। मतलब कैसे यूज किया है, मतलब वेस्ट को हम जो फेंक देते, कोई सोचता नहीं है कि इससे ऐसा कुछ हम बना सकते हैं, वैसा कर दिखाया इन लोगों ने। तो यहाँ पे सभी दर्शकों को बोलना चाहूंगा कि आप आओ यहाँ देखते जाओ। इस पंडाल में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी, कि क्या किस चीज को मैसेज दिया गया है कि हमें कैसे वेस्ट से भी हम लोग अच्छा कुछ कर सकते हैं। हम वेस्ट को हमेशा से फेंक देते हैं, कचरा होता है, ये होता है, इसमें हमें थोड़ा दिखाया गया है कि कुछ हम यूज कर सकते हैं। मतलब आज के जमानों में आज बहुत कचरा हो गया इधर उधर, तो हम थोड़ा मैसेज, अच्छा मैसेज है थोड़ा, यहाँ पे अच्छा लगा देख के। क्या नाम है आपका? रंजीत साहू। रंजीत जी, बताइए कि आपके मंडल का नाम क्या है और कितने सालों से आप कार्यरत हो और क्या थिंक लेके आप आगे बढ़े थे? सबसे पहले माँ शक्ति सेवा संस्था की तरफ से आप सभी को नवरात्रा दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ शक्ति सेवा पिछले 9 सालों से इस सामाजिक कार्य में प्रेरित, शहर वालों को प्रेरित कर रहे हैं और हर साल हम लोग कुछ न कुछ, कुछ पूरे शहर वालों को कुछ शिक्षा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ये साल स्वच्छता अभियान से लिया गया है कि आप अपने घर को, अपने शहर को कैसे स्वच्छ रखें। और ये मंडप 60 फीट हाइट है, 80 फीट चौड़ाई है। पिछले 5 महीनों से इनका इसका काम चल रहा है। 20 महिलाओं के कठिन परिश्रम से ये कार्यक्रम मतलब पूरा हुआ है। मतलब क्या खासियत है इस पंडाल की और 20 महिलाओं ने 5 महीने से क्या कार्यरत किए थे और इसमें ये मंडप में क्या क्या लगा है? 20 महिलाओं ने एक एक जो मूंगफली का जो सेल है, मूंगफली का जो छिलका है, एक एक हाथ से बिठाया है। कोई मशीन का उपयोग नहीं हुआ, घर में बैठ के महिलाएं एक एक हाथ से बिठाया है। इसके लिए इतना समय लगा, कुछ मशीन का उपयोग नहीं किया गया है। और क्या मैसेज आप क्या देना चाहोगे और इस पंडाल की दूसरी क्या खासियत है? संस्था, हमारी संस्था का यही मैसेज रहता है हर साल कुछ। ये साल स्वच्छता अभियान पे है कि आप अपने शहर को कैसे साफ सफाई रखें, अपने घर को कैसे रखें, और साफ सफाई न रहने से हमारे, हमें क्या नुकसान है, हमारे शहर को क्या नुकसान है,
ये पूरा पंडाल है, इसमें कितने रुपए की लागत लगी थी, कितना फुट ऊंचा है, कितना चौड़ा है और इसमें कितने मूंगफली ऐसे लगे हुए हैं और प्लाईवुड क्या लगा? मूंगफली तो लाखों में लगी है, लगभग 11-12 लाख मूंगफली के छिलके इसमें लगे हैं। हाइट इसकी 80 फुट है और चौड़ाई 60 फुट है। और एक किस पे पूरा इतना है, ये जो खड़ा है किस बेस इसका क्या है, कैसे इसको खड़ा किया है? इसमें पूरा इको फ्रेंडली है, लकड़ी का उपयोग हुआ है, प्लाई का उपयोग हुआ है, थर्माकोल का उपयोग नहीं हुआ है। पूरा मंडप में हमारा मूर्ति से लेके मंडप तक इको फ्रेंडली है। यहाँ पर देखने के लिए कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं? पूरे डिस्ट्रिक्ट, पूरे मुंबई से लोग आते हैं यहाँ पे देखने के लिए।